अच्छा ये तो बताओ, बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट कहां तक पहुंची? Man, you haven't changed a bit. And you know what? मैं भी बिल्कुल नहीं बदला. Exactly the same Ahil Raza Ibrahim. I miss you too. अरे, of course not. तुम्हारी कोई भी जगह नहीं ले सकता. You will always be my best buddy. Get it? अच्छा सुनो. Yeah, I'll call you back. हाँ और सुनो, जब तुम एयरपोर्ट पहुंचाओ तो फोन करना मुझे. Okay, bye. Bye निधा. Bye. नेता, न्यू गर्लफ्रेंड? अम्मी, शी इज नॉट माय गर्लफ्रेंड. अम्मी, निदा मेरे साथ बचपन में स्कूल में पढ़ा करती थी. आयल बेटा, अब तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें पता? बेटा, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारा निकाह हो. अम्मी, शी इज नॉट माय गर्लफ्रेंड. अब ये तो तुम कह रहे हो बेटा, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बेगम साहिबा ने अपने बेटे के निकाह के बारे में सोचा तक नहीं, उसका निकाह नहीं किया? लोग तो हम पर ही उंगलियां उठाएंगे. आखिर हम तुम्हारी सौतेली. अम्मी, किसी की हिम्मत नहीं जो आपके बारे में ऐसा कुछ कहे. और प्लीज ऐसे लफ्ज अपने जुबान पर मत लाइए. और ये शादी, निकाह, ये सब मेरे बस की बात नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर हम तुम्हारे लिए किसी को पसंद करें तो? अब जानते हैं कि मैं आपको कभी ना नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझे कोई ऐसी चीज का फोर्स नहीं करेंगे जो मैं नहीं करना चाहता हूं. खैर छोड़ो ये सब. देखो, अजहर के निकाह में अब कुछ ही दिन रह गए, तो प्लीज हम बस तुमसे इतना ही चाहते हैं कि तुम सारे फंक्शन अटेंड करना, ठीक है? और आज रात दावते सौगात है, प्लीज वक्त पर तैयार हो जाना. ठीक है अम्मी, कोशिश करूंगा. अच्छा, अभी तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी अम्मी, निदा को एयरपोर्ट से पिकअप करना है. निदा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है. यस सर. क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, बस मैं चलता हूँ. सनम आई है ना? अम्मी, पहले तो आप आवाजें पहचानती थी, अब आप खामोशियां भी पहचानने लगी. हम तो बस अपने बेटे की बदलती आवाज को पहचान गए. और सच तो ये है कि हमने कभी किसी के लिए भी तुम्हारी आवाज को इतना बदलते हुए नहीं देखा है. वो इसलिए अम्मी कि मैं She's just... और हाँ बेटा, हमारी एक बात हमेशा याद रखना, जिन्हें तुम पसंद करते हो उन्हें अपने पास रखना, और जिन्हें तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते उन्हें तो अपने बहुत पास रखना, ताकि तुम्हें उनकी कमजोरियों का पता चल सके और फिर सही मौका आने पर तुम उनकी कमजोरियों का फायदा उठा सको. इसका मतलब अम्मी, आप भी उस सनम को पसंद नहीं करती ना? हम तो बस उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे बड़ी बेगम से दूर कैसे रखें.